वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, आज के इस सेशन में आपको मैं परचेज डिपार्टमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा और परचेज डिपार्टमेंट को क्लासिफाई करूंगा। जनरल परचेज क्या होता है, प्रोक्योरमेंट क्या होता है, सप्लायर चेन मैनेजमेंट क्या होता है, सप्लायर चेन मैनेजमेंट कितने लेवल पर काम करता है एंड की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेज, परचेज डिपार्टमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। सो फ्रेंड्स, लेट बी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। फर्स्ट, लेट डिफाइन व्हाट इज परचेज डिपार्टमेंट। द परचेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग द गुड्स, रॉ मटेरियल्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम रिसोर्सेज परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। दोस्तों, परचेज डिपार्टमेंट क्लासिफाइड इन टू कंपोनेंट, फर्स्ट टेक्निकल, सेकेंड नॉन टेक्निकल। टाइप्स ऑफ परचेज, परचेज डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरी, फर्स्ट जनरल परचेज, सेकेंड प्रोक्योरमेंट, थर्ड SEM। प्रोक्योरमेंट एंड SEM नॉन एज टेक्निकल परचेज एंड जनरल परचेज कम्स अंडर नॉन टेक्निकल। जनरल परचेज क्या होती है? जनरल परचेज इज डिफाइंड एज टू परचेज द जनरल आइटम्स एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन बाय अदर डिपार्टमेंट, लाइक स्टेशनरी आइटम्स, टेबल एंड चेयर्स, डिस्प्ले बोर्ड, लाइट्स, पेंट, थिनर, कूलेंट, डेकोरेशन आइटम्स etc। कुछ कंपनियों में जनरल परचेजिंग एक स्टोर इंचार्ज के द्वारा भी की जा सकती है, या कंपनी में जनरल परचेजिंग के लिए एक कोई डिपार्टमेंट बनाया हुआ है तो परचेज टीम अदर डिपार्टमेंट की ज़रूरत के अनुसार आइटम परचेज करते हैं। जनरल परचेज को नॉन टेक्निकल पर्सन भी हैंडल कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जनरल परचेज नॉन टेक्निकल से रिलेटेड है, इसे किसी भी एजुकेशन लेवल का कैंडिडेट हैंडल कर सकता है। इसको हैंडल करने के लिए किसी डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होती है। की रोल्स ऑफ जनरल परचेज टीम, फर्स्ट वन नेगोशिएशन ऑन प्राइस, सेकेंड कॉस्ट सेविंग टू मीट KPI, थर्ड फॉलो अप टू हैंड ओवर द प्रोडक्ट एज गिवन टाइम फ्रेम, रिव्यू द पेंडिंग ऑर्डर्स रेज्ड बाय अदर डिपार्टमेंट, नेक्स्ट डिस्कस विद कंसर्न्ड डिपार्टमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स ऑफ आइटम्स टू बी परचेज, नेक्स्ट मेंटेन द स्पेयर पार्ट टू ओवरकम द इमरजेंसी, नेक्स्ट मॉनिटर एंड रिव्यू द स्टॉक लेड डिटेल्स इन ERP, SAP एंड Excel etc। प्रोक्योरमेंट रिलेटेड टू टेक्निकल। प्रोक्योरमेंट इज डिफाइंड एज द प्लान्ड स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू परचेज द आइटम लाइक मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, रिसिप्ट प्रोडक्ट etc। दोस्तों, कंपनियों में प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉमन डिपार्टमेंट होता है। किसी किसी कंपनी में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अलग से होता है एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलग से होता है। की रोल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट टीम, फर्स्ट वन लैंड प्रोक्योरमेंट, सेकेंड अरेंज फैसिलिटीज फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, नेक्स्ट न्यू वेंडर डेवलपमेंट एज पर सप्लायर असेसमेंट चेकशीट, नेक्स्ट कॉस्ट नेगोशिएशन एंड प्रिपेयर फाइनल कोटेशन, नेक्स्ट चेंज द सप्लायर इफ एग्जिस्टिंग सप्लायर नॉट मीट द प्रोडक्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट, डेबिट द सप्लायर इन केस फेलियर लाइक लेट डिलीवरी, क्वालिटी इशूज etc। दोस्तों, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज टू हैंडल द प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज फ्रॉम रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल टू डिलीवर फिनिश प्रोडक्ट
on right time to right customer. Key roles of SCM team: first one, coordinate to PPC department. Next, ensure the internal inventory level. Third one, prepare the monthly schedule and share to the supplier. Fourth one, follow up the supplier for deliver the material on time without any failure. Handle the issues like material related issues, delivery issues, transportation issues, PO issues, and bill clearance issues, etc. Next, get in touch with supplier for product manufacturing readiness, arrangement of warehouses, handling transportation for material movement. Now understand level of supplier chain management. दोस्तों supplier chain management तीन level पर काम करता है. First one strategic level, second tactical level and third operation level. Strategic level क्या होता है? The top level of SCM is responsible for the long term decisions of the company. Strategic level पर top management काम करती है जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि विच प्रोडक्ट और सर्विस विल बी ऑफर्ड बाय द कंपनी, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाएगी और क्या सर्विस ऑफर करेगी. सेकंड वन, गेट इन टच विद मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट टू बी ऑफर्ड. दोस्तों अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में टॉप मैनेजमेंट मार्केट से फीडबैक लेती है, कस्टमर से फीडबैक लेती है, ताकि अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और बेहतरीन बनाया जाए जो कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और कंपनी की ग्रोथ हो. नेक्स्ट, चूज द मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल फैसिलिटी. सप्लाई चेंज मैनेजमेंट न्यू प्लांट लोकेशन डिसाइड करती है, ऐसी लोकेशन जहां सभी रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल होते रहें. डेवलप द क्वालिटेटिव सप्लायर्स फॉर प्रोक्योर द मटेरियल. नेक्स्ट, वर्क ऑन VAVE फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड मेक प्रॉफिट. दोस्तों प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए और प्रोडक्ट की वैल्यू को यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग पर भी काम करती है. बट अंडरस्टैंड टैक्टिकल लेवल. SCM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म डिसीजन ऑफ द कंपनी. दोस्तों SCM टैक्टिकल लेवल पर लॉन्ग टर्म डिसीजन भी लेती है और शॉर्ट टर्म डिसीजन भी लेती है. तो क्या होते हैं वो? सप्लायर डेवलपमेंट, ये टैक्टिकल लेवल में आता है. सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़. थर्ड, वेयर हाउस लोकेशन एंड कॉस्ट डिसाइडिंग. लैंड ओनरशिप कॉस्ट. कस्टमर फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट. नेक्स्ट लेवल इज ऑपरेशनल लेवल. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ SCM फॉर हैंडलिंग डेली रूटीन एक्टिविटीज फॉर ऑपरेशन, बिकॉज ऑपरेशन लेवल डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है. फर्स्ट वन, डेली प्लानिंग फॉर गेटिंग द मटेरियल फ्रॉम सप्लायर. सेकंड वन, अरेंजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज. थर्ड वन, अरेंज द मटेरियल फ्रॉम सप्लायर ऑन रेगुलर बेसिस. कोऑर्डिनेट विद सप्लायर्स एंड रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस. नेक्स्ट, मॉनिटरिंग सप्लायर परफॉर्मेंस एंड आस्क करेक्टिव एक्शंस फ्रॉम वर्स्ट सप्लायर फॉर इम्प्रूवमेंट. दोस्तों अगर आप एक परफेक्ट QMS MR बनना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए. कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें. अगर कोई इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद स्टार्टिंग में जॉब नहीं कर पाता है तो ऐसा कैंडिडेट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं.